गुलबर्गा एमएस की मिल जफराबाद रिंग रोड मोहम्मदी कॉलोनी केएबी पावर हाउस के करीब मौजूद पियोनियर्स पब्लिक स्कूल की जानिब से वन मंथ फ्री किड्स समर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। इस कैंप के जरिए कोई भी स्कूल के स्टूडेंट हो फ्री में बेसिक नॉलेज हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के अलावा दीनियात इस्लामिया ड्राइंग पेंटिंग स्टोरी टाइम क्विज लाइफ स्किल्स कॉम्पिटिशन गेम्स चिल्ड्रंस फिल्म और दीगर कई मुख्तलिफ एक्टिविटीज यहाँ कराई गई हैं। पियोनियर्स पब्लिक स्कूल के फाउंडर जनाब सलीम चितापुरी ने तमाम किड्स समर कैंप की डिटेल बताते हुए कहा, इस कैंप का मकसद बच्चों के तालीमी सफर में सुधार लाना था और एक महीने में कई स्टूडेंट्स इस कैंप से फायदा हासिल किए हैं। कैंप की डिटेल बताते हुए इस स्कूल के फाउंडर ने गुलबर्गा शहर के आवाम से कहा, पियोनियर्स पब्लिक स्कूल में बेहतर तालीम दी जा रही है। आप अपने बच्चों का एडमिशन किसी भी स्कूल में करवाने से पहले एक मरतबा पियोनियर्स पब्लिक स्कूल को ज़रूर विजिट करें। पियोनियर्स पब्लिक स्कूल में काफ़ी बेहतर अंदाज में दीनी और दुनियावी तालीम दी जा रही है। साल 2024-25 के लिए आप यहां अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम रखा गया जो पिछले एक महीने से हम लोग 22 अप्रैल से हम एक फ्री समर कैंप चला रहे थे, वो 22 मई को आकर के वो एंड हो गया। एक महीने का फ्री समर कैंप था जिसमें बच्चे और बच्चियां बहुत सारे हिस्सा लिए और हमने जो समर कैंप चलाए हैं हमारा मकसद ये था, बच्चे और बच्चियां किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो कि उनका तालीमी लेवल क्या है, उनकी रेटिंग्स कैसे हैं और उनके अंदर कितना प्रॉम्प्टेड है कि उन्होंने स्कूल को समर क्लास के जो टाइमिंग बताए गए हैं वो कितने टाइम पे उन्होंने आते हैं, ऐसे सारे चीजें पे हमने बच्चों के साथ में एनालिसिस करके हमने उनको एक अच्छी से अच्छी हमने उनको ट्रेनिंग दी। वो स्कूल को टाइम पे आए और घर में शरारत ना करें, माँ बाप को सताए ना, बड़ों का कहना माने और टाइम पे होमवर्क करें और टाइम पे खाएं, टाइम पे खेलें। ये एक बच्चे के लिए जो चीजें जरूरी होती है बेसिकली वो चीजें हमने यहाँ पर एक महीने में उनको सिखाए हैं और उनकी राइटिंग कैसी है और उनके कौन से क्लास में है वो क्लास के हिसाब से उनका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या उनका लेवल होना चाहिए, वो राइटिंग कैसी है, कैसी रहना चाहिए, उसके ऊपर हमने गौर करते हुए हमने उनको जो है ट्रेनिंग दी है और उनको अच्छी से अच्छी हमने नसीहत के तौर पे और उनको हमने अच्छे से अच्छे माइंड उनका वॉश करते हुए, वो बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो लेकिन उन्होंने हमारे अपने स्कूल को टाइम पे जाएं, ये सारे चीजें हम उनको एक करते हुए साथ में उनके पेरेंट्स के साथ भी एक छोटी सी मीटिंग करते हुए हमने उनको भी उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कि भाई आपकी जिम्मेदारी है आपके बच्चे को आप सुबह जल्दी उठाएं, नमाज पढ़ाएं, कुछ तिलावत करता है तो बच्चा कुछ नाजरा वगैरह पढ़ता है तो उसको नाजरा वगैरह पढ़ाएं, पढ़ाकर उसको फ्रेश होने के बाद फिर उसको नाश्ता जल्द से जल्द तैयार करके स्कूल के टाइम से 5 मिनट पहले उसको स्कूल को पहुंचाएं। इस तरह से हमने पेरेंट्स को भी जो है ना उनको भी एक हल्की सी मीटिंग करके उनके सामने बात को रखें। हमारा ये एक महीने का एक हमारा एक कोशिश एक महीने की हमारी कारकर्दगी थी जो हमने सोशल मीडिया पे हमने रख रहे हैं सामने और हम कोशिश करेंगे अगर आप लोग हमें साथ दें हमारा हमारे वो मौका दें खिदमत का तो इंशाल्लाह हम इससे भी अच्छा करके आपको रिजल्ट बताएंगे। ये हमारा अज़्म है, इस एम के साथ में हम स्कूल चला रहे हैं। आप लोगों से तमाम से गुजारिश है कि मैं पिछले वीडियोस में भी कई बार आप लोगों से गुजारिश पेरेंट्स से गुजारिश कर चुका हूँ कि भाई आप किसी भी स्कूल में आप अपने बच्चों को दाखिला कराइए, एडमिशन कराइए, हमारा कोई इसमें एतराज नहीं है लेकिन एडमिशन कराने से पहले आप एक बार पेनेट पब्लिक स्कूल को आ करके
आप विजिट की करके देखिए कि हम लोग किस तरह लेवल की तालीम यहाँ पर दे रहे हैं। एक बार आके हमारा स्कूल को विजिट कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने का।